भोपाल सीट से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव आज अपना नामांकन दाखिल करने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। नामांकन दाखिल करने से पहले कांग्रेस प्रत्याशी ने कर्फ्यू वाली माता के दर्शन पूजन किए। नामांकन दाखिल करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रैली के माध्यम से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस रैली में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी समेत कई नेता शामिल हुए। अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि इस बार का चुनाव आईटी, इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ लड़ा जा रहा है। उन्होंने भोपाल की जनता से वादा किया कि हमारी सरकार आने पर लोगों का ख्याल रखा जाएगा और सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ दिलाया जाएगा। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ ये नामांकन जो है संविधान को बचाने का है, ये नामांकन लोकतंत्र को बचाने का है, ये नामांकन राजनीतिकों को बचाने का है। ये नामांकन अन्याय के खिलाफ है। ये नामांकन पूरे भोपाल के मुद्दों को लेके गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने का है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।